देखो दोस्तों, आज से ठीक 20 से 30 साल पहले लोग घर में एसी लगवाने को एक टेटा सिंबल मानते थे, लेकिन आज एसी घर घर की जरूरत बन चुकी है। लेकिन घबराओ मत, आज के इस वीडियो में मैं एसी की बात नहीं कर रहा। एसी के एग्जांपल को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि आज से ठीक 20 से 30 साल पहले अगर कोई कार खरीदता था तो लोग उसे अमीर समझते थे, लेकिन आज कार भी घर घर की जरूरत बन चुकी है। और जब कोई नया कस्टमर इंडिया में कोई कार खरीदने जाता है तब उनका बजट लगभग 5 लाख के आसपास ही होता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 4 ऐसे कार सजेस्ट करूंगा जो अंडर 5 लाख के प्राइस सेगमेंट में आ भी जाती है और इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करें। नंबर 4, रेनॉल्ट क्विड। अगर आप एक मॉडर्न लुकिंग फंकी कार चाहते हो तो आपके लिस्ट में ये कार होनी ही चाहिए। अंडर 5 लाख में इसके RXL 1 लीटर और RXT 800cc दोनों ही इंजन ऑप्शंस आ जाती है। 1 लीटर इंजन 67 bhp का पावर और 91 Nm का टॉर्क, जबकि 800cc इंजन 53 bhp का पावर और 72 Nm का टॉर्क पैदा करता है। अगर माइलेज की बात करें तो 1 लीटर में 21.74 kmpl और 800cc में 22.3 kmpl का माइलेज क्लेम करा जाता है। फीचर्स की बात करें तो RXL 1 लीटर में होगी पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडोज, LED टेल लाइट्स, मैनुअल AC विथ हीटर, व्हील कवर्स और बॉडी कलर्ड बम्पर्स, जबकि RXT 800cc में मिलेगी सीट लंबर सपोर्ट, कीलेस एंट्री और रियर पार्सल ट्रे। अब प्राइस की बात करें तो RXL 1 लीटर इंजन ऑप्शन का एक शोरूम प्राइस है 4.53 लाख रुपए एक शोरूम, और RXT 800cc इंजन का एक शोरूम प्राइस है 4.66 लाख रुपए। अब नंबर 3 पे आती है मारुति की सदाबहार कार मारुति इको। इस कार की प्लस पॉइंट है 7 सीटर ऑप्शन, वो भी बहुत कम दाम में। इसका अलावा इसमें CNG का ऑप्शन भी आ जाती है, लेकिन वो 5 लाख में नहीं आती, उसके ऊपर ही आती है। अंडर 5 लाख में इसके जो मॉडल्स आती है वो है स्टैंडर्ड 7 सीटर और 5 सीटर मॉडल। इंजन की बात करें तो इसमें है मारुति वालों का पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड G12B 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, जो 72 bhp का पावर और 98 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है और 16.11 kmpl का माइलेज देती है। फीचर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड 7 सीटर मॉडल में कोई बहुत ज्यादा फीचर्स मिलेंगे नहीं, जैसे कि हीटर, एडजस्टेबल हेडलाइट्स और हैलोजन हेडलैम्प्स, और 5 सीटर मॉडल में मिलेगा मैनुअल AC विथ हीटर, रियर रीडिंग लैंप। मारुति इको के आप चाहे कोई सा भी मॉडल उठा लो, इससे ज्यादा फीचर्स इसमें नहीं आती। प्राइस की बात करें तो स्टैंडर्ड 7 सीटर मॉडल का प्राइस है 4.59 लाख रुपए एक शोरूम, और 5 सीटर विथ AC मॉडल का प्राइस है 4.70 लाख रुपए एक शोरूम। अब नंबर 2 पोजीशन पर आती है मारुति की SUV लुकिंग हैचबैक मारुति एक्सप्रेसो। अंडर 5 लाख में इसके 2 मॉडल्स VXI और VXI प्लस आ जाती है। एस्प्रेसो में मारुति का पॉपुलर 1 लीटर 3 सिलेंडर K10B इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जो पहले ऑल्टो K10 में आती थी, और अब ये इंजन आपको सेलेरियो और वागनर जैसी गाड़ियों में देखने को मिलेगी, जो 67 bhp का पावर और 90 Nm का मैक्स टॉर्क पैदा करता है विथ 21.7 kmpl क्लेम्ड माइलेज। अगर फीचर्स की बात करें तो VXI में मिलेगा फुल व्हील कवर्स, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल AC विथ हीटर, रिमोट कीलेस एंट्री, टूडिन म्यूजिक सिस्टम और फ्रंट डोर स्पीकर्स, जबकि VXI प्लस में इनका अलावा मिलेगा 7-inch टच स्क्रीन स्मार्ट प्ले स्टूडियो मारुति वालों का। अब प्राइस की बात करें तो VXI मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 4.47 लाख रुपए और VXI प्लस मॉडल का है 4.63 लाख रुपए। लेकिन अगर आप कोई नो नॉनसेंस कार चाहते हो तो पेश है आपके लिए मारुति के सदाबहार गाड़ी मारुति ऑल्टो। ये गाड़ी पिछले 20 सालों से मार्केट किंग है। तो अगर आप ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट लेना चाहते हो अंडर 5 लाख में तो ऑल्टो का LXI और VXI प्लस मॉडल आ जाती है। ऑल्टो में इस्तेमाल किया गया है F8D 800cc पेट्रोल इंजन का, जो 47 bhp का पावर और 69 Nm का टॉर्क पैदा करता है विथ 22.05 kmpl क्लेम्ड माइलेज। LXI में मिलेगा फ्रंट पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, मैनुअल AC विथ हीटर, ड्यूल टोन डैशबोर्ड और बॉडी कलर्ड बम्पर्स, और
टॉप मॉडल VXL प्लस में इनका अलावा मिलेगा रिमोट कीलेस एंट्री, फ्रंट डोर स्पीकर्स और 7 इंच स्मार्ट प्ले स्टूडियो। अब अगर प्राइस की बात करूं तो LXI मॉडल का प्राइस है 3.86 लाख रुपए एक शोरूम और टॉप मॉडल VXL प्लस का है 4.26 लाख रुपए एक शोरूम। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इन चारों ही गाड़ियों में सिंगल एयरबैग आता है और डुअल एयरबैग एज ए ऑप्शन आपको मिलेगा इन सभी गाड़ियों में। इसके अलावा ABS विद EBD भी इन चारों ही गाड़ियों में आपको मिलेगा। लेकिन क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर ये चारों ही गाड़ियाँ फिसड्डी साबित हुई है, इसीलिए अगर आप अपने बजट को 6 लाख रुपए तक एक्सटेंड कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि इसी प्राइस पॉइंट पे आपको बेटर इंजन भी मिलेगा और बेटर सेफ्टी भी, जैसे कि टियागो और इग्निस। मेरा प्रेफरेंस यही दोनों रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।